नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। सीएम विश्वदेव साय ने इसका आगाज किया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मार्च से महतारी वंदन योजना के पैसे महिलाओं के खाते में आएंगे। अब तक 70 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त मिलेगी। सीएम ने कहा कि कैबिनेट से तेंदुपत्ता का 5,500 प्रति बोरा देने का प्रस्ताव पास हो गया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 मिलेगा। सीएम ने यहां 1 करोड़ की लागत से नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने का ऐलान किया और मैनपाट महोत्सव को हर साल 50 लाख देने की घोषणा भी की है। तो सीएम ने महोत्सव का शुभारंभ तो किया ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। छत्तीसगढ़ के विकास के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री का यह ऐलान बेहद महत्वपूर्ण। जो महतारी बंदन योजना की बात है, 70 लाख से ज्यादा फार्म भरा चुका है और अगले महीने से हमारी सभी विवाहित माता बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से पैसा भी आना उनका शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी माता मोदी की गारंटी में वादा है, तेंदू पत्ता का कीमत 4,000 रुपया से बढ़ा के 5,500, इसका भी निर्णय हम लोग कैबिनेट में ले लिए हैं। इस सीजन में 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता की खरीदी होगी और 15 दिन की खरीदी होगी। तो वही छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बैगा जनजाति के लोगों की हत्या का मामला उठा। विपक्ष ने इस मामले में जोरदार हंगामा किया। मामले को लेकर विपक्ष विधायक गैलरी में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने जिला कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। नारेबाजी करते हुए सभी सदस्य पर्चा लहराने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया और सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जमीन हड़पने के लिए ये हत्याकांड हुआ। बैगा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, लेकिन इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां रामलला दर्शन योजना के लिए एमओयू साइन किया गया है। आईआरसीटीसी और पर्यटन मंडल के बीच एक एमओयू हुआ है। ये एमओयू 3 साल के लिए किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 5 मार्च से होगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकार अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भेजेगी। एक हफ्ते में 850 व्यक्ति अयोध्या जाएंगे। 20,000 लोगों को इस वर्ष रामलला के दर्शन के लिए प्रदेश के लोग जाएंगे। एमओयू साइनिंग सेरेमनी यहाँ पे होने जा रहा है, उसमें उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शकुन डहरिया की अध्यक्षता में संचालित राजश्री सद्भावना समिति को आखिरकार निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही 72 घंटे के भीतर जोन क्रमांक 10 स्थित शताब्दी नगर के सामुदायिक भवन को खाली करने के निर्देश दिए गए। मामले में निगम की भी लापरवाही आई सामने। बिल्डिंग के हस्तांतरण के लिए एमआईसी में संकल्प तो पारित किया गया, लेकिन निगम की ओर से हस्तांतरण के संदर्भ में संस्था को कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सामुदायिक भवन को उनकी
एनजीओ को देने को लेकर अब नगर निगम ने नोटिस जारी किया है और इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी बिठाई है। ये शिव शक्ति सदन राष्ट्रीय सद्भावना सदन है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वो जो सामने आप देखेंगे सामुदायिक भवन जो है वो पीली कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है मंदिर के सामने, और इस सामुदायिक भवन को भी जो है वो उनकी पत्नी के जो एनजीओ है उसको दे दिया गया था और वहाँ से उनका एनजीओ संचालित होता था। हालांकि इसको लेकर कल शिव डहरिया ने कहा था कि एमआईसी से प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद में उस जो उनकी पत्नी का एनजीओ है उसे दिया गया, और उनका दावा था कि शहर में ऐसा बहुत सामान्य है, कई जगह पर प्रदेश में जो सामाजिक संगठन है या एनजीओ है उन्हें जो सामुदायिक भवन है या सार्वजनिक उपक्रम के जो भवन है वो दिए जाते हैं क्योंकि वो सोशल वर्क करते हैं। हालांकि इसको लेकर ये भी पूछा गया था कि सामान्य सभा में वो नहीं रखा गया था। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख का उपयोग करके उनकी पत्नी के एनजीओ को ये जगह जगह पर सामुदायिक भवन जो है वो उपयोग करने के लिए दिए जहाँ से एनजीओ के काम संचालित किए जाते थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।